हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस सेशन 17। इससे पहले एक सेशन में हमने काइंड्स ऑफ लायर पढ़े थे, उनमें हमने एक वर्ड पढ़ा था अनकॉन्सेनेबल लायर। अनकॉन्सेनेबल का मतलब क्या था, यानी कि अनकॉन्सेनेबल लायर वो होते हैं जिनको अपने झूठ बोलने पर कोई पश्चाताप ही नहीं होता, हु डू नॉट रिग्रेट, यानी कि जिनको कोई रिग्रेट ही नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है या उनके झूठ बोलने से किसी पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ही इज़ कॉल्ड अनकॉन्सेनेबल। जो साइकोपैथ्स होते हैं लोग, वो अनकॉन्सेनेबल एक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे एक्ट करते हैं जिससे कि ट्रबल होती है दूसरों को, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें कोई कंसियंस नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रिमोर्स नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है, यानी कि उन्हें अपने किए गए एक्ट पर कोई पश्चाताप ही नहीं होता। वो लोग साइकोपैथ होते हैं और वो अनकॉन्सेनेबल एक्ट करते हैं। अब हमने अनकॉन्सेनेबल पढ़ा, तो अनकॉन्सेनेबल आया कहाँ से है? जो हमारा ये वर्ड है अनकॉन्सेनेबल, ये एक लैटिन वर्ड स्कायो से आया है, SCIO, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। और हमने जो है इसमें अन ऐड कर दिया, अन का मतलब नेगेटिव हुआ, यानी कि जिसको नहीं पता हो, एन का मतलब होता है नोट, और अन के साथ हमने स्कायो जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया अनकॉन्सेनेबल, यानी कि जिसे कोई ज्ञान ही ना हो, जिसे पता ही ना हो। फिर एक वर्ड आता है कॉन्शियंस, यानी कि जिसे कोई कॉन्शियंस ही ना हो। तो कॉन्शियंस किससे बना है? कॉन्शियंस जो है एक लैटिन वर्ड सेंस से बना है, SCIENS, सेंस। सेंस का मतलब होता है नोविंग, जानना, जिसके अंदर कुछ सेंस हो, जिसे कुछ पता हो। और कौन का मतलब होता है? टुगेदर, तो इसका मतलब कि जिसे पता हो, जो सब जानता हो, जिसे एक मॉरल सेंस हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो ही इज़ कॉन्शियंस। और जिसके अंदर कोई कॉन्शियंस ही ना हो, ही इज़ अनकॉन्सेनेबल। If you are unconscionable, अगर आप unconscionable है तो your conscience is not working, तो इसका मतलब है कि आपकी जो conscience है वो काम ही नहीं कर रही है, या फिर you have no conscience, आपके अंदर कोई conscience ही नहीं है, आपके अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई knowledge ही नहीं है अच्छे और बुरे की। अगर ऐसा है तो आप एक unconscionable human being है। अब इस unconscionable की जो noun बनती है, noun form जो बनती है, that is unconscionableness या फिर अनकॉन्सेनेबिलिटी, अनकॉन्सेनेबलनेस या फिर अनकॉन्सेनेबिलिटी, ये जो है नाउन फॉर्म इस वर्ड की बनती है अनकॉन्सेनेबल की। अब इस वर्ड में जो हमने पढ़ा ऊपर SCIO, इसी में अगर हम कौन जोड़ दें, कौन का मतलब क्या होता है, टुगेदर प्लस स्केओ, तो हमारे पास एक वर्ड बनता है कॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस वो होते हैं, कॉन्शियस इज नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशन और सेंसेशन और ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड वन, यानी कि कॉन्शियस वो नॉलेज है, वो अवेयरनेस है जिसको, जो कि मतलब हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है उसकी नॉलेज हो, वो नॉलेज और वो अवेयरनेस हमारे चारों तरफ जो भी घटित हो रहा हो, या किसी की इमोशंस की, किसी के सेंसेशंस की नॉलेज जो है वो कहलाते हैं कॉन्शियस। जैसे कहते हैं कि वो उसके प्रति कॉन्शियस है, मतलब वो कॉन्शियस है, उसे पता है, वो जानता है। अब हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था सेंस, SCIENS, सेंस पढ़ा था। सेंस का मतलब नॉलेज हुआ। और अगर हम इस सेंस में ओमनिस जोड़ दें, OMNIS, ओमनिस का मतलब होता है ऑल, यानी कि सब कुछ, ओमनिस प्लस सेंस। अगर हम ओमनिस में ये सेंस जोड़ दे, SCIENS, तो हमारे पास एक वर्ड बनकर आएगा और वो वर्ड होगा ओमनीसेंट, ओमनीसेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमनी प्लस सेंस, यानी कि ऑल प्लस नोविंग, जिसे सब कुछ पता हो। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनीस का मतलब होता है ऑल, यानी कि जो सब जानता हो, जिसके पास जो है इन्फिनिट नॉलेज हो, तो वो कहलाता है ओमनीसेंट। और ओमनीशियंट का जो नाउन है, डेट इज़ ओमनीशियंस, ओमनीशियंट और ओमनीशियंस। अगर इसी सेंस में हम प्री जोड़ दें, प्री का मतलब क्या हुआ, बिफोर, और सेंस का मतलब
नॉलेज, यानी कि जिसे पहले से पता हो कि क्या घटित होने वाला है। टू कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट, नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे एक्वायर। हमारे पास एक वर्ड बनेगा प्रेजेंट, जब हम सेंस में प्री जोड़ देंगे तो हमारे पास वर्ड क्या बनकर आएगा, प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, जिसे पहले से कुछ पता हो, सब कुछ पता हो कि क्या घटना घटने वाली है, क्या इवेंट्स होने वाला है, जो पहले से ही प्रेडिक्शन कर सकता हो। ऐसा ही एक वर्ड हमने पिछले कुछ सेशंस में पढ़ा था, साइकिक। साइकिक जिसके पास सिक्स सेंस हो, जो पहले से बता सकता हो कि क्या होने वाला है, तो वही जो है प्रेजेंट भी होता है। तो प्रेजेंट, और इसका जो नॉलेज, जो इसका नाउन बनेगा वो बनेगा प्रेजेंस। तो हमारे पास क्या वर्ड हुआ, एक प्रेजेंट और एक प्रेजेंस। इसी तरह ओमनिसेंट और ओमनिसेंस, ओमनिसेंट जिसे सब कुछ पता हो और प्रेजेंट जिसे पहले से पता हो। और फाइनली जो है, अगर हम इसमें एक नेगेटिव प्रीफिक्स जोड़ दें, ने, एन ई, तो हमारे पास एक वर्ड बनकर आएगा नेसेंट। प्री जोड़ा था तो प्रीसेंट, ओमनी जोड़ा था तो ओमनीसेंट, और नी जोड़ दे तो हमारे पास वर्ड बनकर आ गया नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है नॉट नोविंग और इग्नोरेंट, जिसे कुछ पता ही ना हो, जो बिल्कुल अज्ञानी हो। अब हम इसका जो नाउन बनाएंगे, क्या कैन यू बाय एनोलॉजी विद द प्रीवियस टू वर्ड्स विद द नाउन फॉर्म ऑफ नेसेंट। निशेंट की नाउन फॉर्म क्या बनेगी, जैसे हमने ऊपर बनाई थी ओमनीसेंस, प्रीसेंस, तो इसी तरह जो निसेंट है उसकी जो फॉर्म, नाउन फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी निसेंस। निसेंस यानी कि जिसे कुछ पता ही ना हो। अब हमने एक पढ़ा था ग्लिब लॉयर। ग्लिब लॉयर वो होते हैं जो बहुत स्मूथली झूठ बोलते हैं। ग्लिब लॉयर्स और ग्लिब टॉकर्स आर स्मूथ एंड स्लिपरी, दे हैव रेडी आंसर्स। उनके पास जो है आंसर हमेशा रेडी होते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछो वो एकदम आंसर देंगे। फ्लंट टंग्स, उनकी जो टंग है वो फ्लंट रहती है, हमेशा चलती ही रहती है। ए परस्यूसिव एयर, परस्यूसिव एयर, लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो एकदम से आंसर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ही इज टेलिंग ए लाई, कि वो झूठ बोल रहा है। तो इसी तरह जो ग्लिब लायर होते हैं वो केवल उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं जो कि निसेंट होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था नेसेंट, यानी कि जो अज्ञानी होते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता। तो ग्लिब लायर केवल उन्हीं को मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पता है तो वो उनको मूर्ख नहीं बना सकते, वो समझ जाएंगे एकदम कि वो झूठ बोल रहा है। तो ग्लिब जो है, ग्लिब का मतलब हुआ स्मूथ, और ग्लिब की जो नाउन बनती है डैट इज ग्लिबनेस। तो ये दो वर्ड बन गए, ग्लिब और ग्लिबनेस। अब हर्ड्स एंड फ्लॉक्स, हमने एक वर्ड पढ़ा था इग्रेजियस। इग्रेजियस कौन थे, इग्रेजियस यानी कि जो बहुत ज़्यादा, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, एक तरह की बुराई हो, जो बहुत मतलब झूठ बोलने में बहुत ही वायसियस हो चुके हों, बहुत जो जिनसे मतलब एक तरह से डेंजरस भी हो जाते हैं जो। तो इग्रेजियस जो है वो है था। अब इग्रेजियस आया कहाँ से है, इग्रेजियस एक लैटिन वर्ड से आया ग्रेक्स या ग्रेजियस, जिसका मतलब होता है हर्ड और फ्लॉक। फ्लॉक आपको पता ही होगा, समूह एक तरह से, हर्ड कहलाते हैं या फ्लॉक कहलाते हैं। तो इग्रेजियस लाई जो है, इग्रेजियस लाई या इग्रेजियस एक्ट मान कह लीजिए आप, इग्रेजियस क्राइम कह लीजिए, इग्रेजियस मिस्टेक्स कह लीजिए, तो इस वो एक्सेप्शनली विशियस, वो विशियस होते हैं, वो बहुत ही बुरे होते हैं, और स्टैंड्स आउट फ्रॉम द हर्ड और फ्लॉक ऑफ देयर ऑफ अदर बैड थिंग्स। और वो कहाँ से निकले हैं, वो हर्ड और फ्लॉक से। एक्स, एक्स लगा है इसमें जो ई है शुरू में, जो ग्रेजियस, ग्रेजियस क्या हुआ, ग्रेजियस तो फ्लॉक हो गया, हर्ड और फ्लॉक, और इसमें हमने ई लगा दिया। ई का मतलब क्या हुआ, ई जो है एक शॉर्ट एंड फॉर्म है एक्स की, एक्स का मतलब आउट, यानी कि आउट, तो आउट ऑफ हर्ड और फ्लॉक, यानी कि हर्ड और फ्लॉक जो समूह है उन सबसे बाहर, वो कहलाएंगे इग्रेजियस। और इसका जो नाउन होगा डैट इज कॉल्ड इग्रेजियसनेस, इग्रेजियसनेस। अब जो पर्सन है हु एंजॉयज कंपेनियनशिप, लाइक्स टू बी विद द हर्ड, हु रीच आउट फॉर फ्रेंड्स एंड इज हैप्पीएस्ट व्हेन सराउंड्स बाय पीपल, सच ए पर्सन इज ग्रेजेरियस। हमने पढ़ा ग्रेजिस या ग्रेक्स, यानी कि हर्ड और फ्लॉक,
तो एक वर्ड बनता है ग्रेजेरियस। तो ग्रेजेरियस कौन होते हैं? ग्रेजेरियस वो होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो कि कंपेनियनशिप को एंजॉय करते हैं, यानी कि जो कि दोस्तों के साथ रहना घूमना पसंद करते हैं, जो कि समूह में रहना पसंद करते हैं, जो दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, वैन सराउंड जब लोग उनके आस पास हो तो वो खुश रहते हैं, तो ऐसे पर्सन जो है ग्रेजेरियस कहलाते हैं। एक वर्ड हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट सेशन में, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट हमने पढ़ा था। एक्सट्रोवर्ट क्या थे? एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते थे जो कि अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल देते थे, जो कि मतलब सबके साथ घुलना मिलना पसंद करते थे, सबके साथ बातें करना पसंद करते हैं। तो ग्रेजेरियस भी एक्सट्रोवर्ट्स ही होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स आर ऑफकोर्स ग्रेजेरियस। एक्सट्रोवर्ट्स और ग्रेजेरियस दोनों ही जो है साइनोनिम्स हैं एक दूसरे के। वे ह्यूमन कॉन्टैक्ट को प्रीफेयर करते हैं, मतलब वे क्या प्रीफेयर करते हैं, वे ह्यूमन कॉन्टैक्ट में जाना पसंद करते हैं, कन्वर्सेशन पसंद करते हैं, लाफ्टर पसंद करते हैं, इंटर रिलेशनशिप पसंद करते हैं, ना कि अकेले रहना। वे सॉलिट्यूड रहना पसंद नहीं करते, बल्कि वे ह्यूमन कॉन्टैक्ट, लोगों के साथ रहना, उनके साथ हंसना, बातें करना, कन्वर्स करना उनके साथ रिलेशनशिप्स बनाना, वो सब उनको पसंद होता है। तो ही इज़ कॉल्ड ग्रेजेरियस और एक्सट्रोवर्ट्स। नेस एज यू नो कैन बी एडिड टू एन एडजेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट। अब जो हमारे जो वर्ड है ग्रेजेरियस, इसका अगर हमें नाउन बनाना है तो हम इसमें नेस जोड़ देंगे, ग्रेजेरियस नेस। तो इसका नाउन क्या बन गया? ग्रेजेरियस नेस। तो इसमें जो है हम सिंपली नेस ऐड कर देंगे। अब जो ये वर्ड है ग्रेजेरियस, अगर हम इसमें कौन जोड़ दें, सी ओ एन, कौन, सी ओ एन कौन, कौन का मतलब क्या होता है? विद, यानी कि टुगेदर। और ग्रेजेरियस का मतलब क्या हुआ? होल्ड, सॉरी फ्लॉक या हर्ड। तो हमारे पास एक शब्द बनकर आता है कॉन्ग्रीग्रेट, कॉन्ग्रीग्रेट। तो कॉन्ग्रीग्रेट कौन होते हैं? अब तो कॉन्ग्रीग्रेट हो गए टुगेदर, कौन का मतलब टुगेदर हो गया, और मतलब हर्ड या फ्लॉक या क्राउड आप कह सकते हो। तो गैदर इंटू ए क्राउड, यानी कि जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रीग्रेट, यानी कि कॉन्ग्रीग्रेट हुआ जो कि एक जगह इकट्ठा हो, टुगेदर इन ए हर्ड और फ्लॉक या क्राउड, टुगेदर इन ए क्राउड, क्राउड में एक साथ इकट्ठा होना कहलाएगा कॉन्ग्रीग्रेट। अगर हम इसमें सी एस ई जोड़ दें, एस ई का मतलब क्या होता है? अपार्ट। तो हमारा एक वर्ड बनेगा सेग्रीग्रेट। अब ये सेग्रीग्रेट कौन है? जो सेग्रीगेट हैं, सेग्रीगेट होते हैं जो कि आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, या फिर डिवाइड यानी कि विभाजित होना पसंद करते हैं। कॉन्ग्रीग्रेट तो हुआ जो गैदर इन, कॉन्ग्रीग्रेट तो हुए जो गैदर होना पसंद करते हैं क्राउड में, और सेग्रीगेट हुए जो आइसोलेट रहना या फिर डिवाइड विभाजित होना पसंद करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। इसके बाद अगर हम एक और प्रीफिक्स एड अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास एक वर्ड बनेगा एग्रीग्रेट, एग्रीग्रेट। एड जो है एग में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा वर्ड है वो जी से स्टार्ट है, तो डी जो है जी में चेंज हो जाएगा और हमारे पास एक वर्ड बनकर आता है एग्रीग्रेट। अब एग्रीग्रेट कौन क्या होता है? एग्रीग्रेट होता है टोटल या कंप्लीट, यानी कि जो कुल हो, कहते हैं ना कि कुल कंप्लीट क्या है, व्हाट इज़ द कंप्लीट, तो डैट इज़ एग्रीग्रेट। अब देखते हैं, लेट सी व्हाट वी हैव व्हेन पीपल गैदर टुगेदर इन ए हर्ड और फ्लॉक। जब लोग जो है किसी फ्लॉक में या किसी हर्ड में एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉन्ग्रीग्रेट। और इस कॉन्ग्रीग्रेट का जो नाउन होगा वो होगा कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीग्रेशन। पुट पीपल और थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द हर्ड, अगर उनको तुम हर्ड से अलग रख दो तो वो क्या होंगे? वो होंगे सेग्रीगेट। सेग्रीगेट यानी कि जो कि भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं, आइसोलेट पसंद करते हैं, अकेले रहना, डिवाइड होना पसंद करते हैं, तो ही इज़ कॉल्ड सेग्रीगेट। और सेग्रीगेट का जो नाउन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सेग्रीगेशन। जैसे कॉन्ग्रीगेशन बना, इसी तरह सेग्रीगेशन। ब्रिंग इंडिविजुअल आइटम्स टू और टुवर्ड्स द हर्ड ऑफ फ्लॉक एंड यू राइट द वर्ब। अब बींग इंडिविजुअल आइटम्स, एक इंडिविजुअल आइटम बन लाना, ब्रिंग टू और टुवर्ड्स द हर्ड ऑफ फ्लॉक, हर्ड ऑफ फ्लॉक में यानी कि एक तरह से कंप्लीट हो जाना, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एग्रीगेट। और इसकी जो नाउन फॉर्म है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एग्रीगेशन।
जैसे कॉन्ग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, तो इसी तरह जो है एग्रीगेशन। द वर्ब एग्रीगेट आल्सो मीन्स टू कम टुगेदर और टू टोवर्ड द हर्ड, यानी कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टू कम टुगेदर, एक साथ आना, टोवर्ड द हर्ड, हर्ड में, गैदर इंटू ए मास और होल, किसी मास में या किसी पूरे में, कंप्लीट में जो है गैदर हो जाना, टोटल और अमाउंट टू, यानी कि टोटल हो जाना, अमाउंट टू। तो एग्रीगेट अनदर नाउन फॉर्म प्रोनाउंस्ड एग्रीगेट इज ए ग्रुप ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल कंसिडर्ड एज ए होल, यानी कि जब इंडिविजुअल लोग जो है एक तरह इकट्ठा होकर किसी चीज़ को पूरा कर देते हैं, जैसे ए हर्ड, ए फ्लॉक, पीपल इन द एग्रीगेट, तो ये हुआ एग्रीगेट, यानी कि किसी चीज़ को पूरा कर देना, तो वो कहलाता है एग्रीगेट। अब हमने आज जो सफिक्स पढ़े या प्रीफिक्स या रूट जो हमने पढ़े, जैसे हमने ग्रेक्स या ग्रेजियस पढ़ा था, जिसका मतलब क्या हुआ, हार्ड या फ्लॉक, ग्रेजेरियस, एक्स, एक्स का मतलब हो गया आउट, इग्रेजियस, इग्रेजियस बना था ना, नेस, नेस जो नाउन में लगा देते हैं, इग्रेजियसनेस या ग्रेजियसनेस, कौन, टुगेदर, जैसे कॉन्ग्रीग्रेट, कॉन्ग्रीगेट यानी कि गैदर हो जाना, एड, एड जो एजी बन गया था, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, टोटल या कंप्लीट हो जाना, अन अगर हमने लगा दिया किसी के आगे तो जैसे अनकॉन्सेनेबल, जिसके अंदर कोई कॉन्सेन ही ना हो, नेगेटिव प्रीफिक्स ही कहलाता है, स्कायो टू नो जिसे पता हो, कॉन्शियसनेस, सेंस नोविंग ये भी था, कॉन्शियंस जिसे मतलब सेंस हो, ओमनिस ओमनिसेंस, प्री प्री सेंस, ने सेंस, सी, सी का मतलब होता है अपार्ट, अलग होना, जैसे सेग्रीगेट, आइसोलेट या डिवाइड हो जाना, आई ओ एन, आई ओ एन जैसे सेग्रीगेशन। तो ये जो है नाउन बनाने के लिए जो है सफिक्स ऐड की जाती है वर्ब्स में। तो आज हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े, अनकॉन्सेनेबिलिटी, अनकॉन्सेनेबिलिटी यानी कि जिसके अंदर कुछ कॉन्सियस ही ना हो, जैसे कुछ पता ही ना हो कि उसने क्या किया है। फिर हमने पढ़ा था एक ओमनिसेंट, जिसे सब पता हो, ओमनिसेंस, प्रीसेंट, प्रीसेंस, प्रीसेंट और प्रीसेंस यानी कि जिसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है, निसेंट और निसेंस जिसे कुछ पता ही ना हो, नॉलेज ही ना हो, जैसे कुछ, ग्लिबनेस स्मूथ, बहुत स्मूथली जो काम करता हो, इग्रेजियसनेस, इग्रेजियस होता है मतलब हार्ड या फ्लॉक से बिल्कुल बाहर हो जाना, कोई वायसियस, कोई बुराई, ग्रिजेरियस, ग्रेजेरियस हड़िया फ्लॉक होती है, ग्रेजियसनेस, और कॉन्ग्रीग्रेट कॉन्ग्रीगेशन होते हैं जो हड़िया फ्लॉक में रहना पसंद करते हैं, और सेग्रीगेट और सेग्रीगेशन जो हड़िया फ्लॉक से बाहर रहना पसंद करते हैं, आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, एग्रीगेट और एग्रीगेट जो है वर्ब हो गया, एग्रीगेट नाउन हो गया और एग्रीगेशन भी नाउन हो गया। तो एग्रीगेशन यानी कि जो किसी चीज़ को कंप्लीट कर दे, टोटल कर दे जो किसी चीज़ का। अब एक्सरसाइज देखते हैं, अनकॉन्सेनेबिलिटी, अनकॉन्सेनेबिलिटी क्या होती है, अनकॉन्सेनेबिलिटी जिसे कोई सेंस ही ना हो, तो ये हो जाएगा लैक ऑफ कॉन्शियंस, लैक ऑफ कॉन्शियंस। ओमनिसेंस, ओमनिसेंस जिसे सब कुछ पता हो, जो सब कुछ जानता हो, तो इसका होगा इन्फिनिट नॉलेज, जिसके पास इन्फिनिट नॉलेज हो। प्रीसेंस जिसे पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है, इसका होगा फोर नॉलेज। निसेंस जिसे कोई नॉलेज ही ना हो, कुछ भी ना पता हो, जिसे एक तरह से इग्नोरेंस। ग्लिबनेस जो स्मूथ, स्मूथली, तो ये होगा सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी। इग्रीजियसनेस, इग्रीजियसनेस क्या होता है, एक्सक्लूश, एग्रीजियसनेस होगा आउटस्टैंडिंग बैडनेस और वाइसियसनेस। अब एक ग्रेजियसनेस, ग्रेजियस, ग्रिजेरियसनेस, सॉरी ग्रिजेरियसनेस, ग्रिजेरियसनेस क्या होता है, ग्रिजेरियसनेस होता है फ्रेंडलीनेस, इंजॉयमेंट ऑफ मिक्सिंग विद पीपल। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन होता है रिलीजियस ग्रुप, ए मासिंग यानी कि कोई भीड़। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है भीड़ से अलग हो जाना।
एक्सक्लूशन फ्रॉम द हर्ड, इज सेटिंग अपार्ट और एग्रीगेट टू टोटल मास होल, यानी कि किसी चीज़ को कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, इन्जॉइंग ग्रुप्स एंड कंपेनशिप, जो कि ग्रुप्स और कंपेनशिप में इन्जॉइंग करते हैं, पसंद करते हैं रहना, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्रिजेरियस। इग्नोरेंट, जिन्हें कुछ पता ही ना हो, नेसेंस, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हेल्ड फ्रॉम बैक एंटी सोशल बिहेवियर बाय वंस कॉन्शियसनेस, यानी कि जैसे कुछ मतलब ज्ञान ही ना हो कि उसने क्या किया है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। अनकॉन्सेनेबल, हैविंग नॉलेज ऑफ इवेंट बिफोर इट अकवर्स, किसी घटना के होने से पहले की नॉलेज रखना। प्रीसेंस, ए रिलीजियस फ्लॉक कॉन्ग्रीगेशन, ए टोटल होल और मास, एग्रीगेट टू सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट, सेग्रीगेशन, सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी, ग्लिबनेस, ऑल नोविंग, ओमनीसेंस, कम टुगेदर इंटू ए ग्रुप ऑफ मास, कॉन्ग्रीगेट। ये जो हमने वर्ड पहले पढ़े थे पहले सेशन में, हाईली स्किल्ड, कंज्यूमेट, बियॉन्ड रिफॉर्म, जो सुधारा जा सके, इनकॉरिजिबल, डेटिंग फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही, कंजेंटियल, आउटस्टैंडिंग बैडली, इग्रेजियस, साइंस ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक्स, आउट ऑफ टाइम, एनाक्रोनस, स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी, फोंड ऑफ कंपनी, फ्रेंड ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रेजेरियस, इनडिफरेंट, एंटीपैथिक, लॉन्ग एक्सटेंडेड इन हैबिट, इनवेटरेट, स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्री, जेनोलॉजी टू कंप्लीट या फिनिश टॉप ऑफ कंज्यूमेट, एक्यूरेट टाइम पीस, क्रोनोमीटर, आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग ऑफ अदर, एम्पैथी, थॉट ट्रांसफरेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, टेलीपैथी, इग्नोरेंस, नेसेंस, टुगेदर इनटू ए ग्रुप, कॉन्ग्रीगेट।